हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड मैट्रिक सेंटर परीक्षा 2023 के स्टूडेंट और आप लोग का एग्जामिनेशन अभी चल रहा है सोशल साइंस का, तो मैं इसका 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन रहने वाला है और हम लोग स्टार्ट करेंगे यह वीडियो और देखना शुरू करेंगे। यहाँ से आप लोग का ये पेपर स्टार्ट है, ये 100% ओरिजिनल है। यही पेपर आप लोग का एग्जामिनेशन में रहने वाला है। यहाँ से आप लोग इस पेपर को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग को ये जो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है www.ssclasses.com, यहाँ से आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे सारा पेपर आप लोग को डे बाई डे जिस तरह से एग्ज़ाम होता है उससे एक दिन पहले आप लोग को प्रोवाइड कराया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामाजिक कल्याण। अगला हम लोग देखेंगे तो बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के किस क्षेत्र पर निर्भर है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि पर। अगला हम लोग देखेंगे तो बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉकर को सुविधा देना। अगला हम लोग देखेंगे तो भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोवा। अगला हम लोग देखेंगे तो भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो भारत की बात किया जाए तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में लागू हुई है। अगला हम लोग देखेंगे तो राष्ट्रीय मानव विकास के में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल। अगला हम लोग देखेंगे तो सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो सिंगापुर की मुद्रा है ऑप्शन ए, यानी कि कोरोना। अगला हम लोग देखेंगे तो किस वित्तीय संस्था द्वारा साख सृजन किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाबार्ड। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हार्टले विदर्श ने। अगला हम लोग देखेंगे, अगला सवाल जो आता है वो ये है, भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी तृतीय क्षेत्र। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ है, विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनरेगा। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उदारीकरण। नेक्स्ट आता है यहाँ पर है, भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का सदस्य कब बना था? तो 1995 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1986 ईस्वी में। अगला है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जो उस समय के प्रधानमंत्री होंगे, जैसे अभी नरेंद्र मोदी है तो अभी योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे नरेंद्र मोदी। अगला है, यहाँ पर भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने। अगला हम लोग देखेंगे तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे तो मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो कार्बोनरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे तो यूनान को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1832 में। अगला है, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस। अगला हम लोग देखेंगे तो रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1905 ईस्वी में। अगला है, अप्रैल थीसिस किसने पेश की थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेनिन ने। अगला हम लोग देखेंगे तो विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस। अगला हम लोग देखेंगे तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मनी में। अगला है, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हनोई। अगला हम लोग देखेंगे तो किस समझौते के तहत वियतनाम को दो भागों, यानी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांट दिया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जेनेवा समझौता के द्वारा। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला आता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाहौर अधिवेशन में। अगला हम लोग देखेंगे तो धरासना में किनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था? तो ये थी सरोजनी नायडू के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1876 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो सोहन सिंह भकना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
अगला हम लोग देखेंगे तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1907 में। अगला है स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जेम्स हार्ग्रीव्स ने। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार के शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रगतिशील। अगला हम लोग देखेंगे तो 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है न्यू डील का संबंध निम्न में से किससे था, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि आर्थिक नीति से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1945 में। अगला है मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन में। अगला हम लोग देखेंगे तो प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जर्मनी। अगला है 95 थेसस के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि मार्टिन लूथर। अगला है संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि बंगला। अगला हम लोग देखेंगे तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रांस। अगला हम लोग देखेंगे तो गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1786। अगला हम लोग देखेंगे तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अगला है यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो मेजनी ने। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी में। इसमें टोटल 80 प्रश्न है जिसमें से 40 प्रश्न का आंसर करना है, जिसमें से मैंने आपका 48 का आंसर करा दिया है, तो इन्हीं 48 में से आप इन्हीं 40 क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इस पेपर को कैसे डाउनलोड करना है। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर गूगल ब्राउज़र पर, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एसएस क्लासेस, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे लिखना है, स्पेलिंग आपका है ACISCLASES। जैसे ही इसको लिखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला नंबर पे आप लोग को वेबसाइट मिल जाएगा, इसको आप लोग को क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आ जाना है आपको क्लास टेंथ में। क्लास टेंथ पे जैसे ही आप लोग क्लिक करिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा और रीड मोर का ऑप्शन, इस पे जाना है आप लोग को सबसे नीचे, चूँकि सोशल साइंस का जो एग्ज़ामिनेशन है वो अंतिम दिनों में हो रहा है, तो इसलिए इसका सबसे नीचे की तरफ हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ हम लोग पहुँच जाएंगे। उसके बाद आप लोग को मिल जाएगा आठवें नंबर में आप लोग को मिलेगा सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, तो यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे आपको सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा जो आप लोग को मैंने कराया। उसके बाद फिर इसका सब्जेक्टिव का आप लोग को डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर आना है और यहाँ पे सोशल साइंस सब्जेक्टिव लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड बटन है, इस पर क्लिक करिएगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं होता है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आप लोग को सारा पेपर मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा वीडियो ख़त्म होता है, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।